हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मकर संक्रांत स्पेशल पीठे। ये एक स्वीट डिश है जो बंगालीज में बनता है। तो आपने बहुत तरीके के स्वीट डिश खाए होंगे, लेकिन ये कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आइए देखें दोस्तों। तो मैंने एक पतीले में 2 लीटर दूध ले लिया है। इसको हम पका के 1.5 लीटर होने तक गाढ़ा कर लेंगे। इसको हम मीडियम हीट में पकाएंगे और साथ ही में बीच बीच में चलाते जाएंगे। ये देखिए, दूध कम होके 1.5 लीटर हो चुका है। हमने एक कटोरी में 100 ग्राम खजूर का गुड़ ले लिया है। आप चाहे तो सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इस पे हमने 1 या 2 करछी दूध डाल के भिगो दिया है। तो अब हम ले लेंगे 1 कटोरी चावल का आटा और 1/2 कटोरी मैदा। इसको हम एक बैटर बनाएंगे, तो आप इस नाप का ध्यान रखें। तो अब एक बोल में हम चावल का आटा और मैदा डाल देंगे और इसका बैटर बना लेंगे। हम इसमें हल्का सा 1/2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक हमेशा मीठे को एनहांस करता है। तो ये देखिए, अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको विस्क करते जाएंगे और इसका बैटर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आप डोसे का बैटर बनाते हैं, ठीक है। अब हम एक नॉन स्टिकी पैन लेंगे और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। अब मैंने एक टिश्यू पेपर की सहायता से देसी घी लेके पैन को ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बैटर बनाया है वो हम पैन में डालते जाएंगे छोटे छोटे बताशे के शेप में। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा गैप रख के इसको डाला है। अब हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बताशे रेडी हो चुके हैं। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, करीबन 1 मिनट में ये पूरा पक जाता है और इसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बताशे कुछ ऐसे दिखेंगे। इसी तरह से हम पूरे बैटर से और भी बताशे बना लेंगे। वैसे तो ये डिश मकर संक्रांत में हम लोग जरूर बनाते हैं,
लेकिन पूरी सर्दियों में आप ये डिश कभी भी बना सकते हैं। आप इस डिश को गर्मियों में भी बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खजूर का गुड़ इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप चीनी से भी इस डिश को बना सकते हैं। दोस्तों, आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे बनाने का, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हमने पूरे बैटर से बताशे रेडी कर लिए हैं, तो अब हम जो पहले से गाढ़ा किया हुआ दूध है उसमें इन बताशों को डाल देंगे। तो अब हम इन बताशों को दूध में अच्छे से पकाएंगे। ध्यान रहे, हमें हल्के हाथ से ही बताशों को हिलाना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। अब हमने आधी कटोरी चीनी ले ली है, तो पहले हम थोड़ी सी चीनी डाल के पका लेंगे दूध को, और उसके बाद गुड़ डालेंगे, वरना दूध फट भी सकता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने चीनी डाल दी, अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। आपको पता है दोस्तों, एक बार मेरे घर में अमेरिका से कुछ गेस्ट आए थे, तो मैंने उनको ये स्वीट डिश बना के खिलाया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको ये स्वीट डिश इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे रेसिपी ले ली, और आज भी वो लोग इसको डेजर्ट में बना के खाते हैं। अब हमने जो गुड़ में दूध डाल के भिगोया था, उसको हम इस दूध में डाल देंगे। तो बस अब हम इसको और 10 मिनट तक पका लेंगे, और हमारा पीठे रेडी हो गया। ध्यान रहे कि हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, और ये डिश ठंडा ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, इसमें हमने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि ये बिना ड्राई फ्रूट्स का ही बहुत स्वादिष्ट बनता है। ड्राई फ्रूट्स डालने से इसका टेस्ट इतना खिल के नहीं आएगा। तो बस अब पीठे रेडी हो चुका है, अब ये प्लेटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, खजूर के गुड़ डालने के बाद इसका कितना प्यारा कलर आया है। थैंक यू दोस्तों, भारत की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।